दोस्तों, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं तो आज मैं क्लियर करने वाला हूं कि आप किस तरह से पुराने अंडे से भी चूचे निकाल सकते हैं। दोस्तों, जो अंडे होते हैं यह डेट और टाइम पर निर्भर नहीं होते हैं, ये निर्भर होते हैं आपके स्टोर पर और उसके टेम्परेचर पर, जहाँ आप इनक्यूबेटर के लिए अंडों को इकट्ठा करके रखते हैं, यानी कि स्टोर करके रखते हैं। आप जितने ज़्यादा टेम्परेचर पर उनको स्टोर करेंगे, उतने ही जल्दी आपको इनक्यूबेटर में रखने होंगे। ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिएगा। आप जितने कम टेम्परेचर पर स्टोर करेंगे, आप उतने ज़्यादा समय तक अंडों को स्टोर करके रख सकते हैं, अंडे ख़राब नहीं होंगे। आप अंडों को जिस जगह पर स्टोर करते हैं, चाहे वो आपका रूम, हॉल, कमरा जो भी हो, जहाँ पर आप अंडे को इकट्ठा करके रखते हैं, वहाँ के टेम्परेचर पर, जिस रूम में आप अंडे को स्टोर करके रखते हैं वहाँ का टेम्परेचर अगर 5 से लेकर के 20 सेल्सियस तक है, तो आप अंडे को लगभग 15 दिन तक हैज के लिए तैयार रख सकते हैं, यानी आपका अंडा 15 दिन तक भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप 5 से लेकर के 20 सेल्टीग्रेड तक रखते हैं, तो अगर 5 डिग्री से टेम्परेचर कम हो रहा है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अंडे के अंदर का जो सफ़ेद और पीला भाग होता है वो कठोर होने लगता है और उसका फर्टाइल नष्ट होने लगता है, इसलिए फ्रीजर में रखने की सलाह नहीं दी जाती है। अगर आपके कमरे का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच है और आप वहाँ पर अंडे को स्टोर करके रखते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 7 दिन तक ही रख पाएंगे। उसके आगे रखने की कोशिश करेंगे तो अंडे को ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपके रूम का टेम्परेचर 30 से लेकर के 40 सेंटीग्रेड तक है, तो आप अंडे को ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन ही रख पाएंगे। उससे ज़्यादा रखने पर अंडा ख़राब हो जाता है, क्योंकि अगर दिन में टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है और रात में कम हो रहा है, तो एक बार जब अंडे का फर्टिलाइजेशन एक्टिव हो गया तो फिर उसको ज़रूरत होती है सही टेम्परेचर की। अगर उसको सही टेम्परेचर मिल रहा है तो उसके अंदर चूजा धीरे धीरे ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाता है, और अगर उसको सही टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ नहीं करेगा और उसकी डेथ हो जाएगी, यानी अंडा ख़राब हो जाएगा। और एक बात और भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप अपने इनक्यूबेटर में एक दिन का अंडा नहीं रखना है, उसको कम से कम 24 घंटे का समय ज़रूर दे दें, क्योंकि जब कोई बर्ड हो, जब वो अंडे देती है तो उस वक्त अंडा गर्म होता है और उसको और उसके अंदर एक हलचल सी होती है, जिसको स्थिर होने में कम से कम 24 घंटे लग जाते हैं जब कोई बर्ड। तो इस तरह की तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके भी आप अंडे को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक स्टोर करके रख सकते हैं।